मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है, तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जॉब्स वाले भैया। अगर आपको बहुत ही जल्दी जॉब की तलाश है तो आपको इसी महीने में जॉब मिल सकती है, अगर आप ये वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो। इसमें अप्लाई करने के लिए कोई फॉर्म नहीं फिलअप करना है, कहीं ऑनलाइन किसी सेंटर पे नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बनाने के बाद लोग कमेंट में यही लिखते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले यही आपको क्लियर कर दिया है। आपको जो एड्रेस बताया जाएगा उसी एड्रेस पे जाना है, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सारी डिटेल आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पहली बार है हमारे चैनल पे तो सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी फ्रेंड्स बिहार में पूर्णिया अभियंत्रण महाकॉलेज यानी कि पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से निकाली गई है, और ऐसा नहीं है कि केवल बिहार के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी शहर से हों, किसी भी राज्य से हों, आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स बात करें तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो आपको जाना कहाँ है साक्षात्कार के लिए, तो पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय पूर्णिया, पॉलिटेक्निक चौक के निकट, रामनगर, सौभाष नगर, पूर्णिया 84 43 03। ऊपर ही एड्रेस लिखा हुआ है, इसी एड्रेस पर आपको जाना है और कहीं कुछ नया नहीं है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगा गया है। तो अगर आप बनना चाहते हैं अतिथि सहायक प्राध्यापक, ठीक है, यानी कि प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए फ्रेंड्स वो संबंधित शाखा में कम से कम आप एमटेक या एमई होने चाहिए, या फिर एमएससी इंजीनियरिंग आपने करा हुआ है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर आपने पीएचडी करा हुआ है, या फिर जेआरएफ से आपने उत्तीर्ण किए हुए हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। और आपको यहाँ पे अधिकतम 35,000 रुपये एक महीना के लिए आपका सैलरी बनेगा, जो कि बढ़ के अभी 55,000 होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपको 19 अक्टूबर को जाना है। सब्जेक्ट की बात कर लें तो सब्जेक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन से सब्जेक्ट के लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट की बात करें तो यांत्रिकी यानी कि मैकेनिकल, फिर सिविल हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैनेजमेंट और बायोलॉजी के यहाँ पे सब्जेक्ट्स अगर आप हैं तो आप लोग यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि सीधा आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जो एड्रेस मैंने बताया है ये वाले एड्रेस पे आपको जाना है, साक्षात्कार का जो पता आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है। और उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट है अतिथि प्रयोगशाला सहायक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो यहाँ पे नॉर्मल बीएससी पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि संबंधित विषयों में बीएससी से अगर आप पास हैं, या फिर संबंधित शाखा में डिग्री में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, अथवा संबंधित शाखा में डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने करा हुआ है पॉलिटेक्निक, या फिर आपने बीएससी करी हुई है इस सब्जेक्ट्स में यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिकल, सिविल या फिर कंप्यूटर साइंस से, तो आप लोग एलिजिबल हैं। यहाँ पे 14,000 सैलरी आपको एक महीने के लिए मिलेगी, जो कि बढ़ के फ्रेंड्स ये भी लगभग 30,000 के आसपास होने वाली है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अतिथि अनुदेशक यानी कि गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए बात करें, तो यहाँ पे संबंधित शाखा में आपका पॉलिटेक्निक होना चाहिए, और कौन से ट्रेड में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि संबंधित शाखा में डिप्लोमा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण, अथवा संबंधित ट्रेड में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण से उत्तीर्णता एज पर AICTE के रूल के अनुसार आपका होना चाहिए। यहाँ पे भी आपको जो सैलरी है 13,000 रुपये प्रति माह बन जाएगी। और इस यहाँ पे ट्रेड की बात कर ले तो कारपेंटर, मशीनिस्ट, ब्लैकस्मिथ, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ITI वाले भी जा सकते हैं, क्योंकि इन ट्रेडों में फ्रेंड्स डिप्लोमा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इनका जो इंटरव्यू डेट है फ्रेंड्स वो 20 अक्टूबर को होने वाला इंटरव्यू, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पोस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे लाइब्रेरियन और लिपिक के। बहुत सारे लोग यहाँ पे खोजते रहते हैं, पता ही नहीं चलता है उनको कि कब वैकेंसी आई चली गई, तो ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे गेस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। जब तक परमानेंट वैकेंसी नहीं आएगी तब तक आपको यहाँ पे निकाला भी नहीं जाएगा। लाइब्रेरियन की बात कर लें तो अतिथि लाइब्रेरियन, यहाँ पे आपको लाइब्रेरियन से डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है तो 10,000 रुपये प्रति माह मिल जाएंगे। और कलर की बात करें फ्रेंड्स तो आपको सेवानिवृत्त लिपिक किसी भी सरकारी कार्यालय से हैं तो 10,000 मिल जाएंगे। तो ये तो छोड़िए, लेकिन आप लाइब्रेरियन का कोर्स आपने करा हुआ है तो आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो वो है अतिथि सहायक प्राध्यापक, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है, यहाँ पे 35,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। एमटेक या फिर एमएससी इंजीनियरिंग आपके पास है तब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी 20 अक्टूबर को ही इसका भी आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। इस पोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, सॉरी लिपिक तक के लिए 20 अक्टूबर को, और ये दोनों जो बचे हैं फ्रेंड्स इनका 22 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो अतिथि प्रयोगशाला सहायक के लिए भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आपका डिग्री या डिप्लोमा है तो 14,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और 22 तारीख को आपको आना है। क्या क्या लेके आना है वो सारी चीज़ें भी नीचे लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोट कार्य अनुमति आवश्यकता एवं मानदेय आधारित होगा तथा विभाग द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाएगा। अभियंत्रण गैर अभियंत्रण की डिग्री AICTE UGC मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से होना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार पदों पर मेघा क्रमानुसार रखा जाएगा एवं बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य द्वारा पूर्णतः निरस्त किया जा सकता है, जिसके लिए कोई दावा स्वीकार नहीं है। TADA आपको इंटरव्यू के लिए नहीं मिलेगा, और अधिक जानकारी के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.pcepurnia.org पे जाके देखना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपको, ये बिहार के अंदर पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई है। और जो सैलरी मैंने बताया कि 14,000 वाली सैलरी 30,000 होने वाली है, और जो 35,000 है वो 55,000 के आसपास पहुंचने वाली है। तो ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जल्दी अगर आप अपने आप को जॉब करते हुए देखना चाहते हैं फिलहाल, तो आप जाके यहाँ पे अप्लाई करके इंटरव्यू फेस करना है। बस हैंड टू हैंड आपका जो भी वहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको विद इन 1 वीक के अंदर ही आपका सब कुछ क्लियर होके रिजल्ट आ जाना चाहिए। थोड़ा बहुत लेट हो गया तो 1 महीना के अंदर मान के चलिए कि सब कुछ क्लियर होके आपका ज्वाइनिंग वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।